हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिलहाल तो यार शरीर में बहुत तेज वाली थकान हो रही है, क्योंकि कल का क्रिकेट का असर आज दिख रहा है। अभी हमारी सारी टीम मेंबर्स चाय पी रही है। के देखो वहाँ बैठा हुआ है एकदम लाइटिंग के पास। आपको उसको देख के ऐसी फीलिंग नहीं आ रही? वो इंदिरा टाइगर का चिरंजीवी एक्टर होता है, उसकी तरह फीलिंग आ रही होगी। दोस्तों, पहले तो सबको आज महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शिव जी का ये पावन पर्व आपके जीवन में शुभ साबित हो और हमारे यूट्यूब जीवन में भी। तो फिलहाल तो भाई टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 7:44। वीडियो शेयर कर दे, यहाँ से करना, ठीक है? देख नंबर बताता हूँ ऐसे करके। ये जो मेरा नंबर है ना, मैं निकेत, यहाँ पे देख, मैं निकेत होगा वहां से उसके नीचे, ठीक है? ब्लॉग तो देख लिया होगा मेरा आज का। हाँ। पूरा देखा कि स्किप कर करके? नहीं। पवन को मैंने बोला कि भाई जाके चाय गरम कर ला किचन में, और इसने किचन में आके ये क्या किया था ना, किचन में आके ये इसकी वजह से गिरी है, इसकी वजह से। अरे तो वो तो अपनी जगह, मतलब तेरी गलती नहीं है? नहीं, मेरी भी गलती है, आधी गलती इसकी भी है। सुबह से दूसरी चाय, भाई चाय बहुत अच्छी बनी हुई है, तो मजा आ गया पीने में। पवन ने बनाई है। गाइस टाइम हो गया 10:03। फिलहाल तो यार खाना खाना जरूरी है। खाना खाने के बाद नहा के और फिर जाएंगे आज महाशिवरात्रि में। शिव जी की झांकी निकलेगी, उसमें शुरुआत तो चालू भी हो गई है। देखो पीछे से म्यूजिक की आवाज आ रही होगी। फटाफट काम करता हूँ, नहाता धोता हूँ। मैं क्या भूल गया था, वरना अब तक नहा धो के रेडी रहता। खाना खाने में टाइम है, जब तक मैं थोड़ा सा सेविंग कर लेता हूँ। थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ना, पूरी बियर्ड आए तो मजा आता, लेकिन ये जो आधी अधूरी आती है ना, बहुत गंदा लगता है, बकरा टाइप पे लगता है। आफ्टर सेविंग माई फर्स्ट लुक। एक्चुअली मैं सोचा था मूछ भी उड़ा दूं, लेकिन नहीं, मूछ उड़ाने के बाद फिर मैं ज्यादा इतना सा बच्चा लगूंगा। यहाँ पे खाया खाना, चलना अपने रूम में खाएंगे। संडे तो यहाँ, अच्छा अपने रूम में लाइटिंग अच्छी रहती है इसलिए। खाना खा लिया, पीछे म्यूजिक भी स्टार्ट हो गया, सतेंद्र मेरा वेट कर रहा, मुझे फटाफट नहा के भागना पड़ेगा। रेडी हो गया भाई जाने के लिए मस्त। अब दिखाएंगे आपको हमारे यहाँ पे शिवरात्रि की झांकी, जो पिछले 2 साल से बंद थी और कोरोना के बाद फर्स्ट बार खुली है। मैं स्टाइल मारने के चक्कर में येलो कपड़ा पहन के निकल गया और भूल गया इस टाइम मच्छर का चल रहा है। पूरे मच्छरों ने मेरे को अपना दोस्त बना लिया। अब घर जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। वहां से उठेगी झांकी, वो देखो झांकी वाले दिख रहे होंगे वहाँ पे। कलश यात्रा चलेगी यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा म्यूजिक ज्यादा है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, पीछे का मतलब म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा ना, थोड़ा इग्नोर करना। तगड़ा वाला सीन चल रहा है भाई, सच बता रहा हूँ। वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा गाना वाना चल रहा है ना, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। शंकर भगवान ने फुल मजे दे दिए, मगर इनका तांडव अभी बाकी है, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। इनका तांडव बस फिल्मा लिया जाए एक बार, उसको शूट कर लिया जाए। आप देखो मैं ब्लॉग बनाने के लिए कहाँ आया हूँ, आगे की तरफ निकलते हैं। गला जाम हो गया मेरा, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कोई बात नहीं, ब्लॉगिंग फर्स्ट ड्यूटी, तो ब्लॉगिंग चल रही है और पीछे म्यूजिक ऑन हो गया, तो पीछे चलता हूँ वापस। जो शॉट चाहिए था वो फाइनली मैंने ले लिया, और उसके चक्कर में पूरा गंदा भी हो गया, पूरा बबूत बबूत लग गया, मगर मजा आ गया। शिव जी के तांडव में देखो मैं भी थोड़ा सा हिस्सेदार बन गया। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को थोड़ा आगे जाना पड़ गया ज्यादा शॉट लेने के लिए, लेकिन खुशी इस बात की हुई कि सबको भगा दिया आगे से जब शिव जी तांडव कर रहे थे, लेकिन भाई को VIP एंट्री देके आगे कर दिया गया कि आप शॉट निकालिए। रैली खत्म हुई नहीं, उससे पहले हम लोग घर आ गए, मतलब मैं मेरे सारे फ्रेंड्स लोग, क्योंकि यार थोड़ा क्या वहाँ पे ज्यादा ही कुछ म्यूजिक बज रहा था और म्यूजिक से मैं सर दर्द करने लगा था। अच्छा वहाँ पहुंच तुम लोग नहीं गए? मतलब कई बार तो मुझे लगा था कि जो शिव जी का किरदार निभा रहे थे ना, वो मस्त वाला तांडव करेंगे, ऐसा किया मैंने कहा अच्छा तो मैं ही कर लेता यार, हम चोर चापड़े कर लेते। अच्छा तो मुझे ऐसा लगा रहा, वो जैसे अपन देखते नहीं कसम है कि यूट्यूब वगैरह आप देखते शिव जी तांडव करते बहुत भयंकर वाले, सब पूरा बबूत वबूत उड़ता है, वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मतलब हुआ, उतना नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ चाहे नहीं, मेरे सर में पेन होने लग गया, और इस पेन का बस एक ही इलाज है, चाय पियो। तो कोई चाय बना के देने वाला है क्या कि चुपचाप सो जाओ? बच्चे लोग तो WWE का मैच देख रहे हैं, फिलहाल मैं तो खाना खा रहा हूँ। खाना खाएगा मेरे साथ? मैंने खा लिया। ठीक है भाई, मैं अकेला खाऊंगा बस पराठे और नमकीन। A few moments later. अभी तो अनिकेत भैया सो रहे हैं और चाय मैं बना रहा हूँ। श्री राधा इसमें मेरे को तो अंदाजा भी नहीं है, तेरे को अंदाजा है?
कम पड़ेगी। एक काम कर, कप रेडी कर दे। अनिकेत भैया, अनिकेत भैया, चाय बना ली है मैंने, वो भी ब्लॉगिंग के साथ। A few moments later. सोने की कोशिश करता हूँ तो नींद नहीं आती है, पीछे म्यूजिक चल रहा है उसकी आवाज आ जाती है। सो जाओ ना तो यार, रात में वीडियो की एडिटिंग कर लो। सुबह उठने का बिल्कुल सही था, दिल से 1% अच्छा नहीं करती सुबह उठने की। फिलहाल तो चाय नाश्ता हो गया, चाय के साथ टोस्ट आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, मेरी चाय ले गया। तू बनाया चाय क्या? खराब बनी हुई, मुझे शक है अपने ऊपर। आज खाना खाने के लिए जा रहे भाई बाहर, शिवरात्रि जहाँ पे निकली थी ना वहीं पे आज खाने का प्रोग्राम भी है, तो वहीं खाएंगे आज। तो शिव जी का भंडारा उसी में खाएंगे, आखिरी तक उठना नहीं है रे, बिल्कुल एकदम डट के खाना है। रोज स्टूडियो में खाना खाते हैं, आज देखो सामूहिक खा रहे शिव जी के भंडारे में। शिव जी का भंडारा चला, देखो इधर सारे पूरा मोहल्ला ही बैठा हुआ हमारा। खाना लगभग स्टार्ट हो गया मगर हाथ धोने के लिए पानी नहीं आया, तो पवन गया टंकी पे से पानी लाने के लिए। खाने में भाई आलू का सब्जी, भुजिया, नमकीन, मिठाई सब कुछ है। और ये मोटा देखो, यहाँ मोटा रुकना नहीं है, लास्ट तक टिकना एकदम। कहने को तो शिव जी का प्रसाद था वो, लेकिन हम लोगों ने पेट भर के खा लिया। प्लान था कि वहाँ पे आधा पेट खा के आएंगे फिर आधा घर पे खाएंगे, लेकिन नहीं। मैंने खुद ने 8-9 पूरी खाई और 5 बर्फी खाई, 3 कटोरी सब्जी खाई। तूने? मैंने भी इतना ही खाया हुआ, थोड़ा बहुत कम खाया हुआ इससे। तूने कितना खाया? 3 पूरी, 4 पूरी, 6 पूरी और 3 बर्फी। इतना इतना सा बच्चा 6 पूरी खा रहा, तेरी उम्र में हम लोग 3 पूरी मुश्किल से खाते थे। टाइम हो गया भाई 8:15। फिलहाल तो थोड़ा सा डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ लैपटॉप में, क्योंकि अगर अभी ट्रांसफर करता हूँ तो मुझे सुबह थोड़ा 15 मिनट और मिल जाता सोने के लिए। खाना तो आज बाहर ही खा के आ गए थे, तो अभी तो कोई काम बचा नहीं है। सब बिस्तर पे सोए हुए, पवन सोया हुआ, थोड़ा सा वीडियो शेयर कर रहा, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत उनको कहानी वानी सुनाऊंगा, इधर उधर की बातें करेंगे, फिर उसके बाद नींद आई जाती है। तो फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा भाई, शिवजी का तांडव वांडव होता है। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कमेंट जरूरी है क्योंकि आस्क विद एके संडे को आएगा अपना। तो फिलहाल इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।